चैप्टर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर 9 सॉरी चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले एक छोटी सी लाइन लिख लो जो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहां पे मिलता है, हीमोग्लोबिन के अंदर तुम्हें पता है, हीमोग्लोबिन नहीं पता तुम लोगों को, अरे खून के अंदर जो होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, लिखेंगे आयरन कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हीमोग्लोबिन, बात है नहीं प्लीज, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, आयरन कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो क्या हुआ था, एक बहुत महान टीचर है, मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में, तो उन्होंने क्या किया, बच्चे ने हीमोग्लोबिन की जगह ब्लड लगा दिया था ऑप्शन में, काटा मार दिया था वहां पे, तो ध्यान देना हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन, लिखना भी हो तब भी यही लिखना। नेक्स्ट लिखेंगे क्लोरोफिल, कहां मिलता है क्लोरोफिल, उसमें होता है मैग्नीशियम बेस्ड या मैग्नीशियम कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैग्नीशियम कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लोरोफिल। दूसरा है विटामिन B12, नाम सुना होगा, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये बस याद रखने की चीज है, तो तीन बातें याद रखना, नेमिंग हम कर चुके हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है, तो एक एक छोटी छोटी चीजों की मैं डेफिनेशन और बाकी चीजें मैं करा रहा हूं, नेमिंग आप लोगों ने कर ली है, डाउट है आपके ये मैं समझ सकता हूं, पर ये डाउट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। हेडिंग डालेंगे आप लोग फटाफट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली याद करनी है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें लिखेंगे दीज आर द मोलिक्यूलर कंपाउंड। बेटा टाइम पे आया करो, कल से 4:10 के बाद एंट्री नहीं है किसी भी बच्चे की, ये ध्यान रखना। हाँ जी लिखेंगे, क्या लिखा, दीज आर द मोलिक्यूलर कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द, दीज आर द मोलिक्यूलर कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द डिजॉल्व स्टेट, एज वेल एज इन द डिजॉल्व स्टेट। प्यारे बच्चों बोर्ड पे एक बार ध्यान देंगे, मान लेते हैं हमारे पास है निकल क्लोराइड NaCl2, ठीक है, डिजॉल्व स्टेट लिख लिया ना आप लोगों ने, अब बोर्ड पे भी देख लो थोड़ा सा, NaCl2 प्लस में 6NH3, दोनों की ये बताओ NaCl2 और NH3 क्या इन दोनों की जो एग्जिस्टेंस है वो दोनों पे डिपेंडेंट है या इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, ये अपना अलग एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपना अलग एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब दोनों मिले तो एक इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो गया NaNH3 6। इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, और बाहर आ गए यहां पे Cl2, मेटल कौन बना, निकल, काउंटर आयन कौन बना, लिगेंड्स कौन बन गया, एंड व्हेन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये, इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, अभी ये सॉलिड स्टेट में लेट्स सपोज, ठीक है, और इसे हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर दे तो ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, चेंज नहीं होने देता है, यानी NaNH3 6 यहां पे आएगा +2 और 2Cl- यहां पे फॉर्म हो जाएगी। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर होगा जिसे तुम्हें जीवन में कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे मैं ये करा रहा हूं वैसे अगर तुम करते रहोगे और चीज को समझते रहोगे, पूरा चैप्टर एक से एक दूसरे से कनेक्टेड है, खोए मत रहो। पीयूष बेटा लेट भी आए हो और खोए भी हो। अब देखिए पहले किस स्टेट में था ये,
अब ये किस स्टेट में हो गया है? एक्वस। ये भी एक्वस है। क्या इसके ब्रैकेट पे कोई फर्क पड़ा है? ब्रैकेट के अंदर जो अभी भी है वही बाद में भी रहा, तो इसने अपनी आइडेंटिटी को क्या रखा? रिटेन रखा, इसमें कोई चेंज नहीं है। रही बात सीएल टू, जो इसके बाहर था काउंटर आयन था, वो अभी भी सीएल टू बाहर है और इससे इंटरेक्ट हो ही रहा होगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। वाटर की वजह से हाइड्रेशन हो सकता है, लेकिन ये अंदर की जो चीज है इसकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है। यही होता है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को क्या बोलते हैं हम। और ये दो सिंपल स्टेबल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। चलो लिखो फटाफट से, जल्दी करेंगे। टू स्टेबल कंपाउंड है ये और उससे ये बना। ये बात याद रखना, जो बच्चे नहीं जाएंगे उनके पेरेंट्स को हम बताएंगे कि आपका बच्चा हमारे साथ तो नहीं जा रहा है, इसने अलग से कोई ट्रिप प्लानिंग करी है तो बात अलग। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा ये सोचता है कि इस दिन हम अपना अलग ट्रिप बनाएंगे और किसी झाड़ी में पाया जाता है। और अमूमन ऐसा भी देखा गया है कि जिस झाड़ी में वो जाता है वहीं पे उसी के आसपास के रहने वाले अंकल आंटी भी वही मिल जाते हैं, समझ। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जो जाएंगे उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नहीं जाएंगे उनके पेरेंट्स से हम बात जरूर करेंगे। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ट्रिप के नाम के पैसे ले लेते हैं और किसी जगह पे जाके चाट पकौड़ी खा के और घर चले जाते हैं। तुम लोगों के हरामपन से मैं वाकिफ हूँ, तो ऐसी चीजें करनी नहीं है आपको। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, ये लिख लिया ना आप लोगों ने? क्या इसमें लिखवाऊं मैं यहाँ पे? ये चीज देखो आप, इसकी जो एंटिटी है ये हो सेम है, सेम एंटिटी। तुम्हें ऐसा भी तो लगता होगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन मुझे सब पता हो जाता है। तुम्हारे में से ही कोई एक बच्चा है जो मुझे सारी खबर देता है, जिसको तुम अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हो ना, वही मुझे सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसलिए अपनी बातें अपने दोस्तों को मत बताए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये होता क्या है? लिखेंगे फटाफट से। इट कंसिस्ट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इट कंसिस्ट अ सेंट्रल, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। आपने जब ये इसके नाम लिखे होंगे तो आपने इसका नाम जरूर लिखा होगा, एक याद है? जल्दी बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी? तो ये निकल हुआ, क्या हुआ ये? अच्छा ध्यान से समझना। आपने कोई एक ऐसा भी करा होगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कोबाल्ट की है तो प्लस 3 आई होगी, अरे हाँ कि ना यार? तो ये भी सेंट्रल मेटल है और ये भी क्या है? बोलता ही नहीं है यार, क्या हो गया? ये क्या है दोनों? ये जो सेंट्रल मेटल है ये आयन की फॉर्मेट में, किसकी फॉर्मेट में है? और ये एटम की फॉर्मेट में, किसकी फॉर्मेट में है? मैंने अभी लास्ट लाइन क्या बोला, चार लास्ट सब क्या बोला? सेंट्रल मेटल, क्या लिखा है मैंने? सेंट्रल मेटल, ब्रैकेट में लिख सकते हो एटम और आयन, ब्रैकेट क्लोज कर लेना। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है? आयन भी हो सकता है, ब्रैकेट क्लोज कर लेना। और इसे आगे लिखेंगे टू अ फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन और मॉलिक्यूल। बोर्ड पे दोबारा से ध्यान से देखो, समझो। जैसे हमने एक अभी एक एग्जांपल किया CONH3 का, समझना ध्यान से, और इस पे चार्ज आया +3 का। अब मेरी बात ध्यान से समझना, CO क्या है? जल्दी बोल यार, सेंट्रल मेटल है, इस पे चार्ज कितना है? तो ये क्या कहलाएगा? आयन को किसने बाउंड कर रखा है? लिगेंड्स ने। लिगेंड्स कितने यहां पे? 6। और लिगेंड्स का नाम क्या है यहां पे? NH3 न्यूट्रल है या चार्ज वाला है? तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है या एटम है? नाउ टेल मी प्यारे बच्चों, सेम स्ट्रक्चर, सेम सब कुछ, COCl6 और यहां पे +3 रख रहा हूं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन +3 आया, क्या आया बेटा यहां पे?
प्यारे बच्चों मुझे बताओ, सीएल से बाउंडेड है आप, ये किससे बाउंडेड है? सीएल क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? बोले यार जल्दी बोल, इस पे चार्ज कैसा है? इस पे चार्ज कैसा है? तो अपोजिटली चार्ज क्या हो सकता है, या अपोजिटली चार्ज एटम ना हो तो क्या मिलेगा? मोल। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था? लास्ट लाइन पढ़ो दोबारा से, क्या कह रहा है कि अपोजिटली चार्ज आयन और, या तो आयन होगा या फिर क्या होगा, लिखेंगे आगे लिखेंगे बाउंडेड। बाउंडेड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये लिख लो, एग्जाम्पल ये लिख लो, दोनों ही एग्जाम्पल लिख लो, समझ में आ जाएगा। नीचे की चीज लिखनी है तो नीचे की चीज भी लिख लेना, ये आयन है ना, ये भी आयन है। देखो सिंपल सा है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब भी मैं बोलूं तो मेरे को एक बात बता देना कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, दैट इज नथिंग एल्स, इट्स अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है? सीएल नेगेटिव भी एटम है और अपोजिटली चार्ज एटम है, आयन भी बोल सकते हैं इसे, नाइस, अपोजिटली चार्ज आयन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। कहने का मतलब ये भी एटम और एनायंस हो सकता है, ये भी एटम और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट एडिंग डाल रहे हो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो अभी आपने एक स्ट्रक्चर देखा था, एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलोगे, और जो ब्रैकेट के बाहर होगा, देखो दो बातें होती हैं, ये जो है ना ये बाहर वाला, ये क्या कहलाता था ये बताओ मुझे, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेबल या आयनाइजेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं इसे हम, ठीक है? और ये जो होगा इतना पार्ट लिखो फटाफट से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेंट्रल मेटल, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल ब्रैकेट में लिख लेना, एटम और आयन ब्रैकेट क्लोज कर लेना, सराउंडेड इन, सराउंडेड इन स्क्वेयर ब्रैकेट, सराउंडेड इन स्क्वेयर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, is called coordination sphere. इसी को क्या बोलते हैं हम, coordination sphere बोलते हैं। जल्दी से बना लो, जल्दी से लिख लो पूरे को, यहां से लेके यहां तक हम बोलते हैं coordination compound. ये छोटी छोटी बातें मैं तुमसे पूछूंगा और तुम्हें जान के बहुत हैरानी होगी कि इन्हीं छोटी छोटी बातों में से एक क्वेश्चन 2024 जेई में मेंस में आ गया, जो कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में आया। डन हो गया, इतना पोर्शन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इतना पोर्शन बाहर जो होगा वो आयनाइजेशन स्फीयर है। मैं एक और एग्जांपल अगर लिख दूं तुम्हारे लिए तो तुम पहचान सकते हो कि कौन क्या है। बोलो K4 क्या है, ठीक है, और ये क्या है, और पूरा कंपाउंड क्या है, कोई दिक्कत वाली बात? जल्दी लिखो फिर फटाफट से, नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये हो गया ना सभी का, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। जल्दी से लिख लो CONS3 6, मान लेते इस पे +3 का चार्ज आ गया तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अ कॉम्प्लेक्स आयन और
कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज, विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। वेरी गुड, ये उसका एग्जांपल था। ऐसे नीचे वाले का डेफिनेशन लिख के जल्दी से लिख लो, और एग्जांपल भी मैंने यहां पे लिख दिया। पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज कर देना, उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। के कॉम्प्लेक्स और आयन या फिर एक सा कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलने वाले हैं। डन हो गया जी? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तुमने देखा होगा जब भी आप नाम से फॉर्मूला बना रहे थे तो कईयों की एक्स की वैल्यू जीरो आ रही थी। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे के कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन, अ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैज नो चार्ज, हैज नो नेट चार्ज, लिख लेना वैसे से, हैज नो नेट चार्ज, तो ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो वो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ना इसका काउंटर आयन है। इनकी पहचान क्या होती है कि काउंटर आयन भी नहीं होता और इन पे कोई चार्ज भी नहीं होता। काउंटर आयन नहीं होगा इसमें, लिख लेना नो काउंटर आयन। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब नो काउंटर आयन, जहां पे काउंटर आयन नहीं होगा वहीं पे ये देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट लिखेंगे, तुम्हें मैंने वैसे भी पहले भी बताया हुआ है, क्या बताया हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसके अंदर मेटल के पास, मेटल कैसा होता है ये बताओ। अरे क्या बोल रहे हो, जैसे मान लो ये हमारे पास है ना, अरे है कि नहीं है यार, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है यहां पे, मान लेते हैं। मुझे बताओ इसमें मेटल कौन है? कोबाल्ट, ठीक है, कौन है यहां पे? कोबाल्ट। अच्छा बताओ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर सभी को पता है? लिखना बंद करो, सुनो पहले। कॉन्फ़िगरेशन इसका एटॉमिक नंबर सभी को पता है? 27। कॉन्फ़िगरेशन सभी को याद है क्या है? 4s2 3d7। वो क्या हो गया यहाँ पे? 4s2 3d7। देखो मेरी बात सुनो, अगर फर्स्ट सेल आएगा तो उसके पास सिर्फ 1s होगा, सेकेंड सेल आएगा तो उसके पास 2s और 2p होगा, थर्ड वाले में 3s 3p और क्या होगा? 3d, फोर वाले में 4s 4p 4d और 4f होगा जरूर। यहां पे किसकी एंट्री हो चुकी है? इसका मतलब इसके पास क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन ये सब खाली पड़े हुए हैं। क्या है ये सब? अगर खाली पड़े हुए तो इन सब के पास भरमार क्या है? वो एम्प्टी, क्या है बेटा? एम्प्टी ऑर्बिटल। मैंने आपको क्या बताया था कि मेटल वो जिसके पास क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं कोबाल्ट के पास? अरे हाँ कि ना यार, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा सो होगा, लेकिन अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इस कोबाल्ट में मेटल आयन या मेटल आइटम बनने की क्षमता है, और इसे आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या बन सकता है? एक्सेप्टर। क्या बन सकता है ये लोन पेयर, किसके लोन पेयर? NH3 के ही। क्यों? क्योंकि NH3 क्या है?
लिगेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल करने वाले हैं अभी। वैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 बॉन्ड इसने किसके साथ बना लिए? बोलना यार, किसके साथ बना लिए? तो इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है? अब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, किसमें डोनेट करेगा? मेटल के किसमें? एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इस कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट इज अ मेटल एटम विच हैज विच कंटेन लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। कौन से एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा, कैसे बॉन्ड बनेगा, इसकी एक प्योरी थ्योरी है। पर अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल के पास क्या होता है जिसके अंदर वो लोन पेयर को क्या कर सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? अच्छा, डोनर कौन बनता है हमेशा? लिगेंड। लिगेंड्स के पास क्या होता है? अगली ही डेफिनेशन में लिखवाऊंगा। लिगेंड्स के पास लोन पेयर होगा, मेटल के पास एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होगी, और एक दो नहीं बहुत सारे ले सकता है, ये एक्सेप्टर बन सकता है। पर इसके पास कितने हैं लिगेंड्स? 6। कितने हैं? तो ये 6 लिगेंड्स के लोन पेयर को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, तो 6 बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे? अगर यहाँ पे 4 होते तो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होते? 4। जितने बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होगी उतने वो बॉन्ड बनाएगा। ये सब हम समझेंगे आगे की थ्योरी में। अभी लिखिए फटाफट से, एक चीज याद रखना। तुम कहोगे सर यहाँ पे 4p4d4f कहां से आ गए, तो मैं बताना चाहूंगा। फर्स्ट सेल में 1s होता है, मतलब एक ही सब सेल्स होता है। सेकंड में s और p दोनों होंगे, इसमें spd और इसमें spdf भी होगा। अगले वाले में spdfg, ऐसे बढ़ाते चलोगे बाकी तुम्हें इतने में काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो इसके लिए 11th क्लास दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस तुम्हारे से तो कम ही है। लिखो फटाफट से सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? आयन भी हो सकता है। लिखेंगे द एटम और आयन, द एटम और आयन हैविंग सेंट्रल मेटल की डेफिनेशन लिख रहे हैं, द एटम और आयन हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल एंड कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम न्यूट्रल, कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम न्यूट्रल और आयनिक, न्यूट्रल और आयनिक मॉलिक्यूल अटैच्ड इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अटैच्ड इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन, इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन। अच्छा, आप देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मुझे बताओ इस केस में कितने तरह के लिगेंड्स हो गए हैं? अब कौन कौन से लिगेंड्स हैं? और Cl3, NS3 कैसा लिगेंड्स है? न्यूट्रल। और Cl वाला एनाइनिक लिगेंड्स है। कैटाइनिक भी लिगेंड्स होता है, जैसा मर्जी लिगेंड्स हो, बस लोन पेयर देने लायक होना चाहिए। कोबाल्ट मेटल वही बनेगा जिसके पास हाँ मेटल, ये एटम है या आयन है? अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी आता है तो ये एटम नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? आयन। कहीं पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है तो वो एटम ही रहेगा। लिख लो ये सारा कुछ, जल्दी करो, फिर आगे चलते हैं।
तो देखो दोनों को एक साथ ही डिफाइन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल मेटल को एक बार में डिफाइन किया जाएगा या फिर लिगेंड्स को एक ही बार में डिफाइन किया जाएगा, दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्या यहाँ तक हो गया है सभी बच्चों को? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी करिए। डन है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग लिगेंड्स, ये मिटा दो ना लिगेंड्स। अच्छा ये बताओ लिगेंड्स मैंने कितने कितने तरह के लिखवाए थे ये बताना। दो तरीके लिखवाए थे, कौन कौन से? आयन आयन एनायनिक, और दोनों के पास क्या खासियत होती है? दोनों के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। देखिए लिगेंड्स हालांकि पॉजिटिव वाला भी होता है, एक शायद लिखवाया नहीं लिखवाया तुम्हें, एनो दो होते हैं, एक एनो पॉजिटिव होता है और एक एनो होता है। एनो पॉजिटिव है तो इसे बोलेंगे हम नाइट्रोसोनियम, ठीक है, और एनो है तो इसे बोलेंगे हम नाइट्रोसाइल, SYL। ये लिख लेना वहां पे जहां पे नहीं लिखवाया था लिगेंड्स के नाम में, कभी जरूरत पड़ी तो पढ़ सकती है। बाकी लिगेंड्स वही होगा जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अब इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और द न्यूट्रल, बट ऑल ऑफ देम आर कंटेनिंग द लोन पेयर एंड विच आर एबल टू डोनेट, ठीक है। यहां से इन्होंने क्या किया, एक नंबर में क्वेश्चन बना दिया। प्यारे बच्चों लिखना बंद करो, एक बार मेरी बात सुनो, क्या अभी अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था NH3 का? अरे हाँ कि ना यार, देखो अगर सभी बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे तो समझ नहीं आएगा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है। अब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? लिगेंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, पर ये किसकी तरह एक्ट करेगा? लिगेंड्स। क्या हुआ, पेपर में इनसे ये पूछ लिया गया कि NH3 तो लिगेंड्स की तरह एक्ट करता है, क्या NH4 पॉजिटिव भी लिगेंड्स की तरह एक्ट करेगा? एक नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। तो आंसर होगा नो, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ही, जो लोन पेयर था इसने क्या किया, NH3 ने उसको दे दिया, किसको दे दिया? H+ को। देना किसको चाहिए था? मेटल को। इसने किसको डोनेट कर दिया? तो H+ को देने के बाद NH3 और एक H, कितने H हो गए? NH4 पॉजिटिव आ गया। अच्छा और समझो, H+ के पास कैसा ऑर्बिटल था? देखो लिगेंड्स के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जहां उसने एम्प्टी ऑर्बिटल देखी वहां जाके उसने डोनेट कर दिया। अब डोनेट करते ही इसका इसके साथ बॉन्ड बन गया। किसके साथ बॉन्ड बना है, जल्दी बोलो? एच के साथ। और एन ने डोनेट किया है तो एन पे चार्ज कैसा जाएगा? इसको कलेक्टिवली अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर थे और वो भी उसने किसको दे दिया, तो क्या NH4 पॉजिटिव बन सकता है लिगेंड्स? नहीं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, देने के लिए होना चाहिए। देने के लिए क्या है इसके पास? इसके पास कुछ भी। अच्छा प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, H2O को तो सभी जानते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? बोलो यार, क्या ये लिगेंड्स की तरह बन सकता है? इसमें से ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा तो ये लिगेंड्स की तरह एक्ट करेगा, लेकिन रास्ते में कौन आ गया? H+, इसने इसे ले लिया और क्या बनेगा यहां पे, ये H3O पॉजिटिव। इसके पास एक लोन पेयर भी है बट ये डोनेट नहीं करता ये अपने लोन पेयर को, ये वाला जो लोन पेयर है ना ये डोनेट नहीं करता है, समझ रहे हो मेरी बात? इसके पास लोन पेयर नहीं था, इसकी मजबूरी थी, ये नहीं देगा, लेकिन इसके पास होने के बावजूद भी नहीं देगा। ये बताओ H2O किसकी तरह काम करेगा यहां पे, लेकिन H3O पॉजिटिव लिगेंड्स की तरह काम, भले ही लोन पेयर क्यों ना हो। बोला होता सबके पास है पर देता, H3O पॉजिटिव नहीं दे रहा है तो लिगेंड्स की तरह काम नहीं करेगा। अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? अब ये दे किसको रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसको दे रहा है? अगर ये मेटल होता तो मेटल को भी दे देता, लेकिन इसने H+ की मदद करी और क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव। इसको प्यारे बच्चे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोनियम आयन। तुमसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, NH3 जिसको आप क्या नाम देते हो? अमोनिया। अमाइन तो नाम लिखते हो वैसे, पर वैसे नॉर्मली जनरली क्या बोलते हो? अमोनिया एक्ट एज अ लिगेंड्स, बट NH4 पॉजिटिव, इसे क्या बोलते हैं हम? अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नॉट एक्ट एज अ लिगेंड्स। क्या आंसर है? बिकॉज NH4 पॉजिटिव
does not have lone pair. While H2O acts as a ligand because it contains the lone pair. बोला ये बात तो यहाँ पे भी होती, यहाँ पे भी lone pair है, but है but वो donate. तो ये hydronium ion ligands के द्वारा act. Line लिखेंगे ligands, the neutral molecule or ions. The neutral molecule or ions. The neutral molecules or ions having at least one lone pair, having at least one lone pair and able to donate central metal and bounded in coordination entity known as ligands. ठीक है, ये लिख लो फटाफट से. ligands हमारे तीन तरह के हो सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल. ये कैटायनिक ligands हैं. किसी को एग्जांपल चाहिए तो NO प्लस का लिख देना. एनायनिक तो भरमार थे, कौन कौन सा था एनायनिक वो बता सकता है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, बहुत सारे है ना. यहां पे कौन है? न्यूट्रल. न्यूट्रल में कौन कौन आ गया? यही NH3 और कौन आ गया? H2O. इनके पास लोन पेयर है, डोनेट कर देगा. तो ये तीनों तरह के हो सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल. L प्लस, L माइनस, L न्यूट्रल. जल्दी करो थोड़ा सा. एक क्वेश्चन लिखेंगे, इज एनएच फोर पॉजिटिव एक्ट एज अ लिगेंड्स. इज एनएच फोर पॉजिटिव एक्ट एज अ लिगेंड्स? आंसर है ना, ना, ना. क्यों? बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी लोन पेयर. पहले ही अपने लोन पेयर को किसी और को दे चुका. किसको दिया इसने? एच प्लस को. अगर आज इसके पास लोन पेयर होते तो ये मेटल को डोनेट करता, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, खुशी खुशी रहता. लेकिन ये एच प्लस को डोनेट करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गया. ये सब लिख लो. NH3 के पास लोन पेयर था, उसने एच प्लस को दिया, एच प्लस के पास एमपीटी ऑर्बिटल थी, है ना, जिसकी वजह से उसका NH4 पॉजिटिव बना. इसके पास लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर अवेलेबल टू डोनेट. जल्दी लिखेंगे फटाफट से. जिसके पास भी लोन पेयर नहीं होंगे वो लिगेंड्स नहीं बन सकेगा, याद रखना. डन हो गया क्या? इज हाइड्रोनियम आयन एक्ट एज अ लिगेंड्स? इज हाइड्रोनियम आयन एक्ट एज अ लिगेंड्स? आंसर है नो. वेरी गुड, बट व्हाई? इट हैव अ लोन पेयर. लोन पेयर है बट देना नहीं चाहता, नॉट एबल टू डोनेट. द लोन पेयर अवेलेबल इज नॉट donated by oxygen in hydronium ion, so it is not the ligands. So इसलिए ligands नहीं होगा. ligands और empty orbital में ना बहुत minor सा difference है. metal क्या कर रहे हैं? accept कर रहे हैं. लिगेंड्स क्या कर रहे हैं? लाइन लिखेंगे. अच्छा, जो एक्सेप्टर बनता है ना वो लुईस क्या होता था, याद है किसी को? लुईस एसिड.
जो देगा वो लुईस बेस होगा, है ना? अरे हां कि ना यार, लिखो फटाफट से। द सेंट्रल मेटल, ब्रैकेट में लिख लेना एटम और आयन, जो सेंट्रल मेटल होते हैं एटम और आयन, जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। द सेंट्रल मेटल, ये हो गया ना सभी का, लिखो आगे। द सेंट्रल मेटल, ब्रैकेट में लिखना एटम और आयन, एक्ट एज अ लुईस एसिड, एक्ट एज अ लुईस एसिड, एक्ट एज अ लुईस एसिड। और दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, द लिगेंड्स एक्ट एज अ लुईस बेस, द लिगेंड्स एक्ट एज अ लुईस बेस। ठीक है, तो मेटल किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह। क्यों करता है ये बताओ, क्योंकि मेटल के पास क्या होना जरूरी है? लिखो अगला पॉइंट, मेटल कंटेन एम्प्टी ऑर्बिटल्स, मेटल कंटेन एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इन्हीं खाली जगह में ही तो ये एक्सेप्ट करेगा ना, है ना? दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिगेंड्स कंटेन लोन पेयर एंड हैव एबिलिटी टू डोनेट, एंड हैविंग एबिलिटी टू डोनेट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो लिगेंड्स के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करेगा एम्प्टी ऑर्बिटल में, बना लो फटाफट से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लुईस एसिड हो गया, ये लुईस बेस हो जाएगा, और ये वाला जो है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। अभी तक की कहानी में तुम्हें सिर्फ यही समझ आया कि लिगेंड्स के पास लोन पेयर होना जरूरी है डोनेट करने के लिए, और मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है। लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक। मेटल हमेशा या तो न्यूट्रल होगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगा, या फिर कैटायनिक होगा उसके ऊपर अगर प्लस का चार्ज आता है तो। यह बात याद रखना। किस लिगेंड्स के अंदर कौन डोनर एटम है यह भी पता होना चाहिए तुम लोगों को। चलो हेडिंग डालो फटाफट से, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर तुम समझ पाओ तो। जैसे अगर मान लो हमारे पास, अगर बचपन में तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आपको यह समझ में आएगा, ये H2O का फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है क्या? इसको ड्रॉ करना आता है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे? छह इलेक्ट्रॉन्स होते थे, जिसके पास, जिसके दो बॉन्ड किसके साथ बन रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। और चार चीजें होने की वजह से, दो लोन पेयर हो गए और दो बॉन्ड हो गए, चार चीजें होने की वजह से ये किस तरह के अरेंजमेंट में आ जाते थे? टेट्राहेड्रल, याद है ना? और शेप क्या आती थी इसकी? बैंड। इसके पास क्या आएगा? लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है? दो में से ये कितने डोनेट कर सकता है? So, H2O is a neutral molecule or the ion? जल्दी बोलो, neutral molecule. And neutral molecule में एक से ज्यादा एटम है, ऑक्सीजन है और क्या है यहां पे? हाइड्रोजन। बट वन ऑफ देम कैन डोनेट द लोन पेयर, कौन डोनेट कर सकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैन डोनेट द लोन पेयर टू द मेटल। तो ये देखिए, पहला जो टाइप है ना उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट। क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान से सुनना, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब यह होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही डोनर एटम होगा, और अगर एक से ज्यादा भी डोनर एटम है तो एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा है, उसे क्या बोलोगे आप? अच्छा चलो, इसमें तो चलो चॉइस थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तुम कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन तुम्हें आप पता चल गया कि लोन पेयर किसके पास है?
हाइड्रोजन के पास नहीं है तो इसमें डोनर एटम कौन हुआ? और दो लोन पेयर है, डोनेट एक ही करेगा, तो इसे किस कैटेगरी में रखोगे आप? इसी का दूसरा नाम है यूनिडेंटेट। क्या नाम है इसी का दूसरा नाम? प्यारे बच्चों आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं शायद, मैं ये बोलना चाहता हूं, क्लोरीन को सभी जानते हैं, कौन से ग्रुप में आता है ये? 17। तो जिस 17वें ग्रुप में आएगा तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? माइनस चार्ज लगाते ही कितने हो गए? इस क्लोरीन के पास कितने हैं? चार। क्या है? लेकिन डोनेट सिर्फ ये, अगर ये एक डोनेट करेगा, समझना ध्यान से, तो ये, अच्छा यहां बताओ यहां पे ये आयन है या मॉलिक्यूल है? सिंगल चॉइस है। अगर यही यही डोनर नहीं बनेगा तो कोई और डोनर बन ही नहीं पाएगा, फिर तो ये लिगेंड्स ही नहीं हुआ। अरे हाँ कि ना यार, इसका मतलब ये क्या है, कैसी कैटेगरी में आएगा बेटा? जल्दी बोल। यूनिडेंटेट, या फिर क्या बोलेंगे इसे हम? मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास एक ही एटम मिनिमम तो होना चाहिए और उसमें डोनर एटम होना चाहिए। अब मेरी बात समझना, मैंने एक एग्जांपल लिखा था और पीछे NH3 का लोन पेयर किसके पास था? तो नाइट्रोजन जाके डोनेट करेगा या NH3 सब मिलके डोनेट करेंगे या H जाके डोनेट करेगा? नाइट्रोजन, वो तो H उसके साथ जुड़ा हुआ है। अरे हाँ कि ना यार, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है साफ साफ कि इसके तीन बॉन्ड ऐसे बना लेता हूं मैं, और डोनर कौन है इसमें? भले ही यहां पे चार एटम है बट डोनर कौन है? सिंगल डोनर है या उससे ज्यादा डोनर है? उसको किस कैटेगरी में रखोगे आप, या फिर क्या नाम है? तो ये इसे डोनेट करेगा। क्या करेगा इसे? ये डोनेट, इसे हम यूनिडेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो जी लिख लो फटाफट से, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। इसमें लिखेंगे द लीगेंड्स इन विच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, द लीगेंड्स इन विच द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड is formed by only coordination bond formed by only one donor atom are called unidentate or monodentate ligands। एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे है, ये सारे एग्जाम्पल्स लिख लो, जितने भी डोनर एटम आपने देखे हैं सब मोनोडेंटेट की कैटेगरी में आते हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी डोनर एटम हो? वो भी तो सकता है, वो करेंगे हम, बट आज समय की थोड़ी सी कमी है, तो एक बार ये लिखिए फटाफट से मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल्स, जल्दी करेंगे। बस हर मॉलिक्यूल का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद रहा तो ये बहुत डिफिकल्ट होगी आपके लिए कि भाई कैसे उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, कैसे उस स्ट्रक्चर में पता लगाए कि डोनर एटम कौन सा है। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर जाके इसे रिवाइज कर लेना और अपने आप याद हो जाएगा। नोट डाउन कर लो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना।